टैक्स सिस्टम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो केस स्टडी है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही कॉमन फॉल्ट है डेल का। ये डेल इंस्पिरॉन 3521 का ये मॉडल है। तो इस मॉडल में बहुत टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। कोई बोलता है टुक टुक साउंड जो होता है उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था 7 बीप साउंड का, इसमें प्रॉब्लम था। तो 7 बीप साउंड में इस बोर्ड में जैसे हम लोग चेक करते हैं तो काफ़ी कुछ होता है। इस लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है वो बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं। VS लाइन एक्टिवेट नहीं होता है, 3-5 नहीं बनता है, या फिर VCore एक्टिवेट नहीं होता है। बट इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं, इसमें सारे वोल्टेज थे और रैम का भी वोल्टेज था, डेटा क्लॉक एवरीथिंग है, बस 7 बीप मार रहा था। वो भी बीप साउंड जो है वो टोटल क्लियर नहीं था बीप साउंड। तो इसमें जो सॉल्यूशन निकला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली इस बोर्ड में जब मैंने USB का लाइन चेक किया तो USB के लाइन में मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें USB के लाइन में इस कैपेसिटर में मुझे शॉर्ट मिला। यहाँ पर ये कैपेसिटर आप देख रहे होंगे, ये शॉर्ट है। तो मैंने कैपेसिटर रिमूव किया तो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं निकला। यहाँ पे भी कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, और एक यहाँ पे होता है इसका, ये वाला कैपेसिटर। तो कैपेसिटर मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा कि कैपेसिटर शॉर्ट होगा। सारे कैपेसिटर मैंने रिमूव किया, चेक किया, शॉर्ट नहीं निकला। फिर मैंने USB IC को रिमूव किया, इस आईसी को रिमूव करने के बाद मैंने देखा कि प्रॉब्लम फिर भी सेम है। इम्पीडेंस तो उसका बढ़ गया, 240 तक के बढ़ गया इम्पीडेंस, फिर भी मुझे लगा कि डिस्प्ले आना चाहिए, फिर भी वो सेम प्रॉब्लम था। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास में एक और 3521 का बोर्ड था, 3521 का, तो मैंने उसका इम्पीडेंस फिर से अगेन चेक किया। यहाँ पे उसमें 245 के आसपास इम्पीडेंस है और इसमें मुझे मिल रहा था 200। तो मैंने क्या किया, फिर IC रिमूव करना स्टार्ट किया, 1-2 करके तीनों IC मैंने रिमूव किया। उसमें से एक IC ख़राब है, जो यहाँ पे जो IC लगी थी वो IC ख़राब है। और इसमें अभी सॉल्यूशन इसका हो गया है और इसमें डिस्प्ले इसमें आ गया है। इसमें तो 7 बीप में जैसे हम कभी अगर इंटरनेट पे चेक करते हैं तो 7 बीप अगर चेक करते हैं हम लोग तो 7 बीप में ज़्यादातर CPU फॉल्ट ही दिखाता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ डेल का बीप कोड, तो डेल के बीप कोड में यहाँ पर अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 7 बीप में यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब होता है CPU। तो कई बार हम लोग CPU को टारगेट कर लेते हैं कि डेल ने ये बोला है, बट इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इसमें 7 बीप के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा था वो था USB IC का लीकेज हो जाने की वजह से। और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे मुझे कुछ डैमेजेस भी मिले थे, शायद किसी ने इसको ट्रबल शूट करने का ट्राई किया था। तो यहाँ पे देखिए ट्रैक डैमेज था यहाँ पर, तो ये भी ट्रैक मैंने रिपेयर किया। एक्चुअली किसी ने CMOS क्लियर करने का कोशिश किया, जिसकी वजह से शायद ट्वीज़र वगैरह से यूज़ किया और हाथ जो है उसका स्लाइड कर गया होगा या स्लिप कर गया होगा, जिसकी वजह से ट्रैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो अभी इस बोर्ड में डिस्प्ले आ गया है, मैं आपको इसका डिस्प्ले एक बार चेक करके दिखाता हूँ। बोर्ड काफ़ी रस्टेड भी था ये, इस बोर्ड में मतलब बहुत रस्टेड था ये बोर्ड एक्चुअल में। तो अभी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन था, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग प्रॉपर कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्रॉपर बेसिक लेवल से चेक करेंगे तो प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं। रैम मैंने शायद ठीक से लगाया नहीं है, रैम का इसका एक रैम स्लॉट में भी प्रॉब्लम है, इसके एक रैम स्लॉट में भी प्रॉब्लम है, रैम स्लॉट की वजह से भी ये इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था।
बाकी वोल्टेजेस सारे चीज़ हैं इसमें, जितना भी मैंने चेक किया तो इसमें सारा चीज़ है, बस डिस्प्ले इसमें नहीं आ रहा था। तो इस बोर्ड को मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद हम इसमें डिस्प्ले देखते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया इसको, ये आ गया इसका डिस्प्ले, तो ये हो गया है रेडी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉल्ट दिखाता है डेल, बट